है, सरकार के पास कुछ नहीं है, जो करे सिर्फ बातें कर सकते हैं। आज हमारे घरे मरा, कल कौन के घरे मरेगा, तब वो बातें करेंगे, आगे कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी को पूछो कि हमने हमारे लिए किया क्या है। कश्मीरी लोग मरते हैं, आज यहाँ कश्मीरी मरते हैं, और तुम लोग बीजेपी पीडीपी सब आती आज कोई नहीं सुन रहा, हमारी क्यों नहीं सुन रहे? और यहाँ कश्मीरी मरे होते हैं तो सब लोग सुनते, क्यों नहीं सुन रहे? आप ये बताओ, क्या एम्बुलेंस तक नहीं थी यहाँ पे अवेलेबल? हर रात को कंपनी कमांडर ने बोला था कि फायरिंग होगा, आप सेफ जगह अपने अंतर रहे ना, लेकिन हमारा जिला यह है कोई पौना घंटा जी तरफ दे रहे हैं घर पे आंगन के सामने, कोई एम्बुलेंस नहीं, पुलिस की तरफ से प्रशासन की तरफ से कोई आदमी नहीं वहां आया। ये बासुर मंगला पहुंचे, पूरे गांव ने ट्रैक्टर पे लाशें उठा के लाए हैं, जो तड़फ के वहां पे मर गए हैं। बच सकते अगर इनका अगर वहां पे मौके पे एम्बुलेंस होती, मौके पर जेदो जान बच सकती थी। इनको रात को बंदोबस्त करना चाहिए था, क्यों नहीं इन्होंने बंदोबस्त किया? जाल को इनका बदल चाहिए उधर, जब इन्हें पता था कि फायरिंग चल रही है, गाड़ी को लड़ी की थी, चूड़ी लाई है गाड़ी। खून क्या कर दिया है, हमारे कितने भाई मर गए, सारा गंदा मोदी की गंदा, मरना चाहिए तो मोदी मरना चाहिए। पैसे जब से बेड़ा गिर कर दिया बॉर्डर वालों का, हमारा भाई मर गया, कैसे देखा हमारा भाई, जैसे वाला गुस्सा डाल के आया है, इसका भाई मरेगा तो पता चलेगा कि भाई क्या होता है, जैसे होता हुआ हमारे घर पे, सारा इसको क्या दर्द जाता है, जैसे सारा कुत्ते हैं मोदी के कुत्ते, इनको क्या जाना दर्द का। तो इधर